देखो आज क्या पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट डैम। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट डैम। डैम होते क्या है, क्या होते डैम पता है? बताओ सर। जो नहर का पानी वो है, नदी का पानी जो है रोकने के लिए। नदी या फिर नहर का पानी रोकने के लिए क्या करते हैं? डैम बनाते हैं। हाँ, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि बांध जो होते हैं, डैम तुम्हारे, वो नहर अथवा नदी के जल के प्रवाह को रोकने लिए क्या होते हैं? एक अवरोध होते हैं। क्या? ये तुम्हारी मान के चलो नहर है और ये या फिर नदी है, तो उसमें क्या जल के प्रवाह को रोकने के लिए क्या होते हैं? एक अवरोध। भाई इनके बन जाने से क्या प्रवाह रुकता ही तो है ना, रुकता है कि नहीं रुकता है? अब ये देखो, क्या इसके फायदे भी होते हैं? होते ही नहीं होते? होते हैं। तो कौन कौन से पता है? डैम बनाने पर इसका पानी, जानते हो बांध का उपयोग किसमें कर सकते हैं? इसका पानी सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सिंचाई के रूप में। ठीक, और बताओ एक और बताओ। पीने योग्य भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे पानी बहता हुआ जा रहा था, अगर हमने उसको रोक लिया और फिर इसके बाद उससे एक छोटी सी नहर निकाल दी, वो सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, पीने योग्य पानी, जहां पे पीने की कमी हुई पानी की, तो उसको अगर शुद्ध हुआ तो ऐसे ही, वरना थोड़ा सा उसको प्योरीफाई करके उसको पीने में क्या किया, पीने के यूज में ले लिया। और तीसरा क्या, बिजली, समझते हो? तो बिजली भी इन्हीं डैम पे क्या टर्बाइन लगाकर, मोटर लगाकर बिजली बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है? ठीक, तो बिजली बनाने में भी ये हमारे क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक, एक तो सिंचाई हो गई, दूसरा पीने की पानी की आपूर्ति हो गई, तीसरा बिजली बनाने में। क्लियर है? अब देखो कुछ टाइप्स होते हैं इसके। किसके टाइप्स? किसके डैम के, कौन कौन से? एक हो गया तुम्हारा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। अब ये किस टाइप का बांध होता है पता है? भारत में इसका एक एग्जांपल है जिसको क्या बोलते हैं, भाखड़ा नागल बांध। इसका एग्जांपल एक है, याद होगा, भाखड़ा नांगल बांध। इसी गुरुत्वीय बांध का क्या एक उदाहरण है, क्या एक उदाहरण है? अब देखो, ये जो गुरुत्वीय बांध होते हैं ये क्या होते हैं, ये कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। क्या होते हैं? कंक्रीट से बने बहुत बड़े और वजनदार बांध होते हैं। ठीक, दूसरा एक कौन सा है, दूसरा देख लो, रॉकफिल बांध। कौन सा? रॉकफिल बांध। रॉकफिल बांध, ठीक। इसका उदाहरण एक हम डैम देते हैं, कौन सा? टिहरी बांध, सुना है? टिहरी बांध, टिहरी बांध। तो ये क्या है, यह इसका एक उदाहरण है, टिहरी बांध। ठीक, अब ये रॉकफिल बांध जो होते हैं वो कैसे होते हैं पता है? यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। किसके? मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं, और इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और तीसरे एक प्रकार टाइप्स के होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं पता है, जिनको हम बोलते हैं चाप बांध। क्या बोलते हैं? चाप बांध, चाप बांध। इसका एक उदाहरण जानते हो कौन सा है? कौन सा है बताओ, कौन सा है, कौन सा? एक नाम तुमने सुना होगा, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध, ठीक। तो यह चाप बांध का एक उदाहरण है। ठीक है, डैम किन्हें कहते हैं? क्लियर हो गया? डैम के टाइप्स क्लियर हो गए, गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल बांध और चाप बांध। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और जो क्या पेपर में आते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर आ सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। ठीक, सबसे पहले जानते हो कौन सा बांध पढ़ेंगे? सबसे पहले हम कोलंबिया नदी पर,
कौन सी? कोलंबिया नदी पर। इधर डालेंगे आपका नदी, देखो इधर डाल दिया मैंने नदी, ठीक। तो कौन सी नदी? कौन सी? कोलंबिया, ठीक। कोलंबिया नदी हो गई, और इधर हो गया तुम्हारा डैम, कौन सा डैम, ठीक। तो इस पे दो डैम बांध है, कौन कौन से दो? एक तो ग्रैंड कुली बांध और बॉन विले बांध, कौन सा? ग्रैंड कुली बांध और बॉन विले बांध, ठीक। तो लिख लेते हैं कौन सा, इस पे तुम्हारे दो हैं, एक तुम्हारा कौन सा? ग्रैंड कुली बांध, ठीक। और दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? बॉन विले, कौन सा? बॉन विले, बॉन विले बांध। और ये दोनों कहां स्थित है? कहां स्थित है? कोलंबिया तो तुम्हारी नदी है, स्थित कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कहां? यूएसए, कहां? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अब देखो ग्रैंड कुली बांध है, ये जानते हो, ये अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी पर बना है, ठीक है। यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जिसे पन बिजली उत्पादन और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। और ग्रैंड कुली बांध का निर्माण 1933 में शुरू हुआ था, और इस बांध का निर्माण कार्य 1942 में पूरा हो गया। तो कब? 1933 में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य? 1933 में। और कब पूरा हो गया? 1942 में पूरा हो गया। यहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ और यहां पे पूरा हो गया, ठीक है। और यह कैसा बांध है? कैसा बांध है? ग्रैंड कुली बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। और ग्रेविटी बांध कैसे होते हैं? कंक्रीट के होते हैं, बहुत वजनदार होते हैं, ठीक, और बहुत बड़े होते हैं। अब देखो दूसरा बॉन विले, ठीक है। बॉन विले, यह अमेरिका की कोलंबिया नदी पर बना बॉन विले बांध एक कैसा है? कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ये भी तुम्हारा कैसा है? कंक्रीट ग्रेविटी बांध। और कौन सी नदी? नदी आपकी सेम हो जाएगी, वो भी कौन सी? कोलंबिया, क्लियर है। कौन सी नदी हो जाएगी? कोलंबिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा देखते हैं? आगे देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक बांध है कोलोराडो नदी पर, कौन सा? कोलोराडो नदी पर। ये थी कोलंबिया नदी, ये है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी पर कौन सा है? कौन सा है? हुअर, कौन सा है? हुअर बांध, कौन सा? हुअर बांध। और कहां है ये भी तुम्हारा? यूएसए में, कहां है? यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और कौन सा बांध? हुअर बांध। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी, कौन सी नदी? कोलोराडो नदी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हुअर बांध, जिसे क्या बोलते हैं? बोल्डर बांध भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हुअर बांध को ही क्या बोलते हैं? बोल्डर बांध, ठीक। हुअर बांध को ही हम बोल्डर बांध बोलते हैं। और अमेरिकी राज्यों कौन कौन से? नेवादा और एरिजोना के बीच की सीमा पर कोलोराडो नदी की बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। तो बना कहां है? नेवादा, नेवादा और एरिजोना के बीच सीमा पर, ठीक। और कौन सी नदी? कोलोराडो नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, ठीक। कौन सा? हुअर बांध, क्लियर है ना। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा डैम पढ़ते हैं? कौन सा? पराना नदी पर है इतेपू बांध, कौन सा? पराना नदी पर, नदी कौन सी? पराना, बांध कौन सा? इतेपू, इसको और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इतेपू या इताइपू, क्या बोलते हैं? इतेपू या इताइपू, ठीक। क्या बोलते हैं? इतेपू या इताइपू। नदी कौन सी? पराना, कौन सी? पराना। और ये कहां स्थित है? ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर। तो इताइपू बांध जो आपका है ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है, और यह
क्या है? पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। कैसा है? पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। कहां स्थित है? ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर। तो क्या लिखेंगे इधर? ब्राजील और पराग्वे, ठीक है, ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? ठीक है। कोलंबिया नदी पर दो बांध है। दो बांध कौन कौन से? ग्रैंड पुली बांध और बॉन विले बांध। दूसरा, कोलोराडो नदी पर हुवर बांध, पराना नदी पर इतेपू बांध, ठीक। और ये तुम्हारा ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर है, ठीक है। आगे चले। आगे जब हम नदी पढ़ रहे थे, ठीक है, तब आया था क्या? कौन सा बांध बताओ? हमने लिखवाया भी था वहां पे भी। कौन सा? आसवन बांध आया था ना, आसवन बांध आया था ना। और नदी कौन सी थी? नील नदी। कौन सी? नील नदी। बांध कौन सा? आसवन बांध। कौन सा? आसवन बांध। आसवन बांध। अब देखो ये क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? कहां? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या कहा है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? आसवन बांध। कौन सा? आसवन बांध। और ये कहां स्थित है? मिस्र में। कहां स्थित है? मिस्र में। यहां लिख लेते हैं, ठीक। कहां स्थित है? मिस्र में। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नदी कौन सी हुई तुम्हारी? नील। कौन सी? नील नदी। नील नदी क्या है? हाँ, कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है। कितनी है? सबसे लंबी नदी है। और कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? कितने हैं? 6650 किलोमीटर, ठीक। 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई। निकलती कहां से है? देखो नील नदी तुम्हारी कितनी? दो नदियों से मिलकर बनी। कौन कौन सी? क्या बताया था मैंने? कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी हो गई श्वेत नील। कौन सी? श्वेत नील। और दूसरी कौन सी हो गई? ब्लू नील। कौन सी? ब्लू नील। और श्वेत नील तुम्हारी कहां से निकली है बताओ? श्वेत नील कहां से निकली? श्वेत नील निकली तुम्हारी कौन सी? विक्टोरिया झील से। कौन सी? ये कहां से निकली? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। और ये ब्लू नील कहां से निकली? कौन सी? ताना झील ना, याद है कि भूल गए? कौन सी? ताना झील। कहां से? ताना झील। और ये दोनों कहां पे मिलती हैं? जहां पे मिलती है वो कौन सा स्थान है? कौन सा? कौन सा बोलो? खार्तूम। कौन सा? खार्तूम। और फिर ये गिरती कहां पे है ये तो बता दो। इसका मुहाना क्या है नील नदी का? क्या है? कौन सा सागर? भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। किसका? नील नदी का मुहाना है ना भूमध्य सागर। किसका? नील नदी का, ये वाला, ठीक। तो निकली कहां से? ताना झील और विक्टोरिया झील से। दो नदी निकली। कौन सी? एक तो श्वेत तुम्हारी निकली विक्टोरिया झील से, और ताना झील से निकली ब्लू नील, ठीक। दोनों मिली खार्तूम में, तब ये बनी नील नदी। तब ये बनी कौन सी? नील नदी। और फिर आगे ये वो मध्य सागर में गिर जाती। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर, ठीक। और एक मैंने क्वेश्चन बताया था कि मिस्र की सभ्यता कौन सी? कौन सी? मिस्र की सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता जो है वो क्या है? नील नदी का क्या है? वरदान है। बताया था ना कि मिस्र की सभ्यता कौन सी? नील नदी का वरदान है। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। बोलना नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कौन सी? जांबेजी नदी की। कौन सी? कौन सी नदी?
जामवेली नदी की, तो लिख लेते हैं कौन सी नदी, जामवेली नदी। और जामवेली नदी पे कौन सा बांध स्थित है, करीबा बांध, कौन सा, करीबा बांध, करीबा बांध। कहां पे, कहां पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, कहां पे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच कौन सा बांध हो गया, तो आपका करीबा बांध। नदी कौन सी हो गई, जाम्बेजी नदी। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या, कोई समस्या? और जानते हो यह कैसा बांध है, यह एक कंक्रीट आर्च बांध है। कैसा है, कंक्रीट आर्च बांध। हमने पढ़े ना आर्च बांध कैसे होते हैं, ऐसे करके जल का प्रवाह अगर इधर को आ रहा होगा तो कैसे होंगे, ऐसे करके, धनुष देखा है ना, ऐसे करके ये ऐसे होंगे तुम्हारे आर्च बांध, ऐसे करके, ठीक समझे ना, चरसी बने हुए हैं ये ऐसे, ये नदी की तरफ जो होगा इनका मुंह अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे करके समझे। ये होते आर्च डैम तुम्हारे। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कौन से, नाइजर नदी की, कौन से, नाइजर नदी की। तो ये हो गया, इसको इरेज करें, कर दे इरेज, चलो इतना ही इरेज करते ऐसे करके। अच्छा नाइजर नदी पे कौन सा बांध बना हुआ पता है, कौन सा बताओ, सोचो कौन सा, कौन सा, कैंजी, कौन सा, क्या नाम है, क्या नाम है, कैंजी बांध, कौन सा, कैंजी बांध, ये देखो कैंजी बांध कौन सी नदी पे बना, नाइजर नदी पे, कौन सा, कैंजी बांध, देख लेते हैं उसको याद करने के लिए भी हम बता देंगे, बहुत अच्छा तरीका। देखो नदी कौन सी हो गई, नाइजर, बांध कौन सा हो गया, कौन सा, कैंजी। कैंजी को तुम आप याद रखो, जानते किसे कैंजी को आप याद रखो, कि कैची से, किससे, कैची से, कैची सुनिए, और कैची कौन चलाता, नहीं चलाता ना, नहीं चलाता ना, कैची चलाता कि नहीं चलाता, तो अगर आ गया आपका नाई जहां है नाई जर तो आ गया, तो क्या हो जाएगा, कैची से याद जाएगा, कैंजी बांध, कौन सा बांध, कैंजी बांध। और कहां पे स्थित है पता है, कहां पे स्थित है, नाइजीरिया में, तो वो भी आपका सरल होता है, इसमें भी नाई आ रहा है, नाई जीरिया आ रहा ना नाई, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी पूछेंगे तो बता दोगे, नाइजीरिया में कौन सा बांध, कैंजी बांध, और नदी कौन सी, नाइजर, क्लियर, नाइजर नदी, कैंजी बांध और नाइजीरिया, ठीक है ना, याद हो गया। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं, जानते हो डिक्सन नदी की, कौन सी, डिक्सन नदी, डिक्सन नदी, और इस पे जो बांध बना हुआ है उसका नाम भी क्या है, ग्रैंड डिक्सन बांध, ग्रैंड डिक्सन बांध, कौन सा, ग्रैंड डिक्सन बांध, डिक्सन नदी, कौन सा, ग्रैंड डिक्सन बांध। और अगली नदी है कौन सी पता है, क्रांटा बांध या विराजक का बांध, कौन सी नदी पे बना है, वेल जास्का, तो जो नदी वही बांध, वेल जास्का नदी पर कौन सा बांध है, वेल जास्का बांध या कौन सा, क्रांटा बांध, कौन सा, क्रांटा बांध। अच्छा ये क्यों फेमस है पता है, क्यों फेमस है पता है, अच्छा ये दोनों स्थित कहां है ये बताओ, ये दोनों जानते हो कहां स्थित है, ग्रैंड डिक्सन बांध और वेल जास्का बांध कहां स्थित है,
ये दोनों स्विट्जरलैंड में, कहां पे? स्विट्जरलैंड में। अब बताओ एक मूवी देखी तुमने, एक मूवी देखी तुमने, धूम 3 देखी कि नहीं देखी? देखिए उसमें आमिर खान जो कूद जाता है, देखा है वो कूद जाता है लास्ट में, क्या वो डैम से ऊपर से छलांग लगा देता है, तो ये जो डैम था उसमें दिखाया गया ना, वो यही डैम दिखाया गया है। कौन सा? कॉन्ट्रा बांध। कौन सा बांध है? कॉन्ट्रा बांध, समझ गए ना। चलो आगे बताते हैं, आगे एक है कौन सी, वोल्टा नदी। कौन सी? वोल्टा नदी, लिख लेते हैं वोल्टा नदी। ठीक, बांध कौन सा है? बांध कौन सा है? अकोसुम्बो। कौन सा? अकोसुम्बो। थोड़ा सा नाम में डिफिकल्ट आएगा पर दो चार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, अकोसुम्बो बांध। कौन सा? अकोसुम्बो बांध। कहां स्थित है बोलो, कहां स्थित है? अफ्रीका के कहां, कौन से देश में? घाना में। कहां? अफ्रीका के घाना देश में। क्लियर? कौन सा? अकोसुम्बोबान नदी। कौन सी? वोल्टा नदी। वोल्टा नदी पर अकोसुम्बोबान। देश पूछेगा तो कौन सा? घाना। कॉन्टिनेंट पूछेगा तो अफ्रीका। क्लियर है ना? क्लियर है। और जानते हो यह कैसा है? यह एक रॉक फिल बांध है, पढ़े थे ना थ्री टाइप्स, उसमें कौन सा? सेकंड वाला। यह कौन सा? रॉक फिल बांध है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यांग्त्सी नदी की। कौन सी? यांग्त्सी नदी। अब बताओ ये तो हमने पढ़ रखी ना, यांग्त्सी नदी पढ़ रखी ना, यांग्त्सी नदी पढ़ रखी ना, क्या होता है बता, कौन सी नदी है, कहां की है ये? चीन की। चलो लिख ले रहे, कौन सा, कहां की नदी है? चीन की। ठीक है, और इसमें डैम कौन सा बताओ? कौन सा? थ्री गार्जिज बांध। कौन सा? थ्री गार्जिज, थ्री गार्जिज। ये थ्री गार्जिज क्यों बोलते हैं इसको? देखो फिगर, देखो स्क्रीन पे फिगर, देखो देखो है ना, थ्री गार्जिज है ना, एक दो तीन है कि नहीं है? और ये क्या है, क्या है? सबसे लंबी नदी है ना चीन की, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। और कहां की सबसे लंबी नदी है? और एशिया की क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट की भी तो सबसे लंबी नदी है कि नहीं है? और कितने तो लंबी नदी है, तो छोटा मोटा बांध तो उसको संभाल नहीं पाएगा, तो कौन से? थ्री गार्जिज। कौन से? थ्री गार्जिज। कौन सा? एक दो तीन। कौन सा? थ्री गार्जिज। इससे याद रहेगा, जानते हो ऐसे याद कर लो, थ्री से तीन, थ्री तीन, थ्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीन। और तीन से चीन, तो कहां स्थित है? चीन में। चीन से याद करेंगे चीन, तो थ्री क्या हो जाएगा? चीन और तीन और फिर थ्री, तो थ्री से याद करेंगे थ्री गार्जिज बांध। क्लियर है ना? तो यहां से हो जाएगा। और नदी कौन सी? सबसे लंबी वाली। कौन सी? यांग्त्सी। कौन सी? यांग्त्सी। आगे देखो, आगे बात करते हरि नदी की। कौन सी? हरि नदी, हरि नदी। और डैम कौन सा है बोलो? डैम कौन सा है? सलमा बांध। क्या? सलमा बांध। और जानते हो पर अब इसको सलमा बांध नहीं बोलते, अब इसको कौन सा बांध बोलते हैं बताओ? पता है यह बांध पहले कहां? सलमा बांध के नाम से जाने वाला यह अफगान भारत मैत्री बांध है। कौन सा? अफगान भारत मैत्री बांध, जो कि कहां? अफगानिस्तान में स्थित है। कहां? अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान। कौन सा? अब नाम क्या हो गया इसका? अफगान भारत मैत्री बांध। पूछेगा अफगान भारत मैत्री बांध का पूर्व नाम क्या है, तो क्या बताओगे? सलमा बांध। क्या बताओगे? सलमा बांध। ठीक, मैत्री बांध। ठीक, अब देखो जानते हो 4 जून 2016 को, कब? 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति
अशरफ गनी ने शनिवार को संयुक्त रूप से अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। कब किया था? 4 जून 2016 में। कब? 4 जून 2016 में। ठीक, आगे बात करते हैं एक और बांध की। क्या नाम है इसका? इसको रेज कर दे, कर दे। चलो, कौन सी बांध की बात करते हैं? कौन सा? कुरुबे। कहां स्थित है ये? जापान में। वेरी गुड। नदी कौन सी? कौन सी नदी भी सेम है। चलो, तो याद करने में आसानी हो जाएगी, है ना? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलो लिख लेते हैं। कौन सा बांध है? कुरुबे बांध। कौन सा? कुरुबे बांध। नदी कौन सी? कुरुबे। कुरुबे नदी। बांध कौन सा? कुरुबे बांध। ठीक, और कहां स्थित है? जापान में। तो ये याद कर लेंगे ऐसे ही, है ना? कुरुबे बांध, कुरुबे नदी, कुरुबे बांध, और कहां स्थित है? जापान में। क्लियर है? आगे देखो, आगे बात करते हैं कौन सी? वक्स नदी की। कौन सी? वक्स नदी। वक्स नदी, और इस पे कौन सा बांध बना हुआ है बताओ? कौन सा बांध बना हुआ है? कौन सा? न्यू रेक बांध। याद कर लेंगे, कौन सा? न्यू रेक बांध। न्यू रेक बांध कहां बना हुआ है? वक्स नदी पर। और पूछ लेगा कहां, कौन से देश में? क्या बोलोगे? कौन सा? कौन सा? तेज बोलो। कजाकिस्तान। कौन सा? ठीक है।